फर्स्ट नोन बबल टू मैनकाइंड, तो 17th सेंचुरी के अंदर हॉलैंड के अंदर ट्यूलिप करके एक फ्लावर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ट्यूलिप जो फ्लावर था लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो हॉलैंड की जो अपर क्लास है वो अपने घर पे ट्यूलिप यूज करके बार बार अपने घर को डेकोरेट करने लग गए। एंड जो हॉलैंड की जो मिडिल क्लास है वो भी ट्यूलिप को काफी ज्यादा देखने लग गए। एंड काफी ज्यादा जो ट्यूलिप की डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ गई। पर ट्यूलिप की प्राइसिंग इतनी ज्यादा ऑब्सीन हो गई कि ऑलमोस्ट अगर एक जो वहाँ पे एवरेज वर्कर था उसकी सालाना इनकम से 10x ट्यूलिप के प्राइसेस चले गए। यहाँ तक कुछ कुछ घर के जो प्राइस थे वो एक ट्यूलिप का प्राइस था। सो दिस वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बबल इन द मैनकाइंड। एंड धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ट्यूलिप का एक्चुअली उस टाइम पे जो फ्यूचर्स थे वो बहुत बारी ट्रेड हो रहे थे। एंड फ्यूचर्स जो ट्यूलिप के थे वो एक्सचेंज के साथ ट्रेड नहीं होते थे, एक्चुअली काउंटर पार्टी में ही ट्रेड हो रहे थे। धीरे धीरे करके जो फ्यूचर्स थे क्योंकि काउंटर पार्टी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई एंड ट्यूलिप के प्राइसेस इवेंचुअली कोलैप्स कर गए। सो दिस वॉज द फर्स्ट नोन बबल टू मैनकाइंड जहां पे ट्यूलिप के प्राइसेस वेंट टू एन अनरीजनेबल लेवल क्योंकि अर्निंग्स तो कुछ थी ही नहीं उसकी। अब भी मेरे को बताइए कि आपने कोई ऐसा बबल पास्ट में देखा हो तो।